हमने आपको नीट परीक्षा को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई थी, जिससे परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठने लगे थे और जिस पर एनटीए की सफाई भी सामने आई है। ये सफाई एनटीए ने दी क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए आप। देश भर में नीट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा में धांधली को सिरे से खारिज कर दिया, मगर एनटीए की सफाई भर से बात नहीं बनती। इस बार की नीट परीक्षा में कई बातें चौंकाने वाली थी। नीट एग्जाम में टॉप करने वाले छात्रों की इस लिस्ट में सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक को हाईलाइट किया गया है। गौर से देखने पर पता चलता है कि यहां जो नीट रोल नंबर की सीरीज है वो एक जैसी है, यानी सब एक ही सेंटर से हैं। इनमें किसी स्टूडेंट के नाम में सरनेम भी नहीं है। इसके अलावा परीक्षा के दिन हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक परीक्षा सेंटर में 2 पेपर दिए गए, बाद में उसे वापस ले लिया गया और अब उसी केंद्र के 6 छात्रों को 720 में से 720 नंबर यानी पूरे नंबर मिले हैं। जब से जी न्यूज को ये खबर मिली तब से लेकर अब तक हम बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ हैं। जी न्यूज की खबर का ऐसा असर हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही एनटीए की सफाई आ गई। दिल्ली में बड़े पैमाने पर कैंसर की नकली दवाएं खपाई जा रही हैं और इसके तार सीधे सीरिया के साथ जुड़े हैं। इस खबर ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया, हर कोई हैरान है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने कैंसर की नकली दवाइयों की सप्लाई करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सीरिया का रहने वाला 54 साल का मुनीर है, जो कैंसर का मरीज बनकर आता था और सीरिया से नकली दवाएं लाकर दिल्ली के दवा व्यापारियों को बेचता था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी अब तक 5 करोड़ रुपए कीमत की कैंसर और दूसरी जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई कर चुका है। हमने एक सीरियन नेशन को अरेस्ट किया है, एलेपो सीरिया से। वो कैंसर पेशेंट बन के ही आता था, वो उसको बकायदा उसके पास डॉक्यूमेंट्स कैंसर पेशेंट के होते थे और कुछ दवाएं वो वहाँ से लेके आता था, कैंसर एंटी कैंसरस दवाएं। वो उसमें कैच ये है कि वो वहाँ पे दवाई सस्ते हैं, लाइक 30,000 की वहाँ इंजेक्शन मिलता है तो यहाँ 1,00,000 का वो बिकता है इंडिया में। तो वो इस प्रकार का जो है वो उसको दवा के साथ जो है पकड़ा है मोहम्मद मीर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया और सुपर ओवर में पाकिस्तान को हरा दिया गया। इस मुकाबले में सुपर ओवर में अमेरिका ने बनाए थे 18 रन, सिर्फ 13 रन ही बना सकी पाकिस्तान की टीम। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की करारी हार और वो भी अमेरिका के हाथों, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल नई नवेली टीम है, और पाकिस्तान की ये शर्मनाक हार हुई है। T20 विश्व कप में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद शर्मनाक रही। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को अमेरिका ने 5 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। अमेरिका का फैसला सही साबित हुआ और 13वें ओवर में आधी टीम 100 रन के अंदर ही पवेलियन लौट गई। आखिरी के ओवरों में शादाब खान ने 40 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। 160 रनों का पीछा करने उतरी अमेरिकी टीम की शुरुआत ठीक रही। दूसरे विकेट के लिए मोनांग पटेल और आंद्रे गोज के बीच 68 रन की साझेदारी हुई। आखिरी ओवर में 14 रन की दरकार थी, लेकिन अमेरिका 1 रन से चूक गया और मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में अमेरिका ने आरोन जोन्स के 11 रन के बदौलत 18 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 13 रन ही बना सकी और 5 रन से मुकाबला हार गई। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान ICC के गैर पूर्ण सदस्य टीम से हारा। यही नहीं, T20 विश्व कप में टाई हुए 5 मुकाबलों में 2 बार पाकिस्तान की टीम ही फंसी है और दोनों ही बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो नई सरकार की शपथ से पहले आज फिर एक बार एनडीए की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि आज नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जाएगा, उसके बाद सभी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने वाली एनडीए अब अपने शपथ ग्रहण की ओर बढ़ रही है। सुबह 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उन्हें समर्थन देने वाले सांसदों की सूची सौंपी जाएगी। मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल होंगे। मोदी रविवार को शपथ ले सकते हैं। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के 272 के आंकड़े से ज्यादा हैं। इससे पहले गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नव निर्वाचित सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को सौंपी। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है और इस खास मौके के लिए पड़ोसी देशों को न्योता भी भेजा जा रहा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। तीसरी बार एनडीए सरकार, 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले इस खास कार्यक्रम के लिए लगातार मेहमानों को न्योता भी भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण के लिए 7 देशों को आमंत्रित किया गया है। लिस्ट में सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल का नाम शामिल है। न्योता औपचारिक रूप से सभी देशों को भेज दिया गया है। हालांकि पीएम मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए कई देशों के नेता बधाई भी दे चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम सुनक, मालदीव, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल और जापान के प्रधानमंत्री समेत 90 से ज्यादा नेताओं ने पीएम मोदी को बधाइयां दी। सभी ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए भारत के साथ मिलकर पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। लिस्ट में मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू का नाम शामिल होना सभी को चौंका रहा है। भारत की ओर से हुए विरोध के बाद पर्यटन विभाग में मालदीव को काफी नुकसान पहुंचा था। अब देखना होगा कि इस निमंत्रण के बाद दोनों देशों के संबंध में कितना सुधार आता है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अब लगातार समीक्षाओं का दौर चल रहा है। आज एनडीए की बैठक के बीच बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक भी होनी है। लोकसभा चुनावों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन 5 राज्यों में हुए सीटों के नुकसान को लेकर बीजेपी में मंथन भी चल रहा है। खासकर यूपी में बीजेपी के लिए हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होगी। बैठक में राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा खुद पीएम मोदी करेंगे। यूपी के बीजेपी और सरकार के दिग्गजों को भी दिल्ली बुलाया गया है। यूपी के तो मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। यही नहीं, यूपी में जनता के बीच सरकार अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर सकती है। बूथ से लेकर क्लस्टर और प्रभारी मंत्री बदले जा सकते हैं। यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार तीनों ही वर्ग के वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके क्या नाम है गहन चिंतन करें कि आखिर हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे। महाराष्ट्र में हार के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट एनसीपी अजीत पवार गुट में देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी अजीत गुट को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी ने भी चुनाव में मिली हार पर मंथन किया। चेहरे पर निराशा के भाव बता रहे हैं कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं ने संकेत दिया है कि अजीत पवार गुट में भगदड़ मचने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के खेमे के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। 150 से ज्यादा असेंबली सीट्स में एमवीए ने लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है उसमें एमवीए की बढ़त है, और इस हालात में भगदड़ तो मचने वाली है। जो दल बदल के या फिर जिन्होंने अलग डिसीजन लिया, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए काफ़ी एमएलएज ने मुझे बात किया, फ़ोन किया। अब कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद कुछ लोगों की इच्छा है कि जो भी वापसी की नहीं, जो हुआ पहले वो ठीक नहीं हुआ। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के चुनाव नतीजे देखें तो ये महायुति गठबंधन के लिए निराशाजनक रहे हैं। बीजेपी को 9 सीट, शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट को 1 सीट मिली है। देश में इस बार दोनों ओर से गठबंधन के बीच ही तकरार है, और इस तकरार में नेता अपने गठबंधन के ज्यादा मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। देश में गठबंधन का दौर एक बार फिर आया है। बहुमत से दूर रह गई बीजेपी इस बार एनडीए के समर्थन से सरकार चलाएगी, तो दूसरी ओर कई राज्यों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला इंडिया गठबंधन है, जो इस बार 2019 के मुकाबले काफी मजबूत है। ऐसे में नेताओं ने एक दूसरे के गठबंधन को कमजोर बताना शुरू कर दिया है। पहले एनडीए था वाजपेयी जी के समय में, वो लगभग समाप्त हो चुका था। जब कांग्रेस ने मिलकर इंडिया अलायंस का गठबंधन किया और उनको लगा विपक्ष की एकता बहुत मजबूत हो रही है, तब उन्होंने आनंद फानन में एनडीए को दोबारा पुनर्जीवित किया, क्योंकि जो एनडीए के पुराने साथी थे शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू सब छोड़ गए थे, तो दोबारा एनडीए का गठन किया। इंडिया अलायंस से कहीं वो सहम गए होंगे, इसलिए दोबारा एनडीए का गठन किया है। इस पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए है। तो ये एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट रह गया और भ्रष्टाचारियों का समूह एक दूसरे को बचाने के लिए उभर गया है।
तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे थे। हालांकि इसके पीछे उन्होंने अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया है। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र में 9 सीटें हासिल की। पार्टी का स्टेटस और सिंबल छिन जाने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ी राहत की खबर थी। महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी सहयोगी पार्टी है, लेकिन जब जीत के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उद्धव उसमें शामिल नहीं हुए। इसको लेकर कयास भी लगाए जाने लगे, लेकिन अटकलों के बीच गुरुवार को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात में क्या बात हुई ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में, उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा। खबरें ये भी थी कि शिवसेना शिंदे गुट के कई नेता भी शिवसेना उद्धव गुट के संपर्क में है, हालांकि इस बात पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उपचुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वायनाड सीट से लड़ सकती हैं उपचुनाव। राहुल गांधी जो कि वायनाड और रायबरेली दोनों से जीते हैं, वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। उपचुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और रायबरेली से जब चुनाव लड़े थे राहुल गांधी तो ये सवाल पूछा गया था कि अगर दोनों सीटों से जीते तो कौन सी सीट रखेंगे, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश पर ही फोकस करेगी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बने रहेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ सकती है। वायनाड कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीट रही है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार जीतते रहे हैं। राहुल गांधी को जब 2019 में अमेठी से हार मिली थी तो भी वे वायनाड से जीते थे, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। तो चुनाव के नतीजों के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने मतदान के आंकड़ों को जारी कर दिया है। इन आंकड़ों को लेकर हिमंता बिस्व शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। मतगणना के 48 घंटे के बाद चुनाव आयोग ने 7 चरणों में हुए मतदान के आंकड़े जारी कर दिए। 2024 में कुल मतदान 65.79% हुआ, जो कि 2019 के मुकाबले 1.61% कम है। असम में सबसे ज्यादा 81% मतदान हुआ, जबकि बिहार में सबसे कम 56% मतदान हुआ। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने एक बड़ा बयान दे डाला। सीएम हिमंता ने कहा कि हर मुस्लिम पोलिंग बूथ में 100% वोट कांग्रेस को गया है। UDF और मुस्लिम वोट खेनी कोट गई कांग्रेस तमें कांग्रेस 100% मुस्लिम राइज समर्थन प्राप्त कांग्रेस एटाई दल आगते साम्प्रदायिक दल बुली आजमलक कैसिल এতিয়া সাম্প্রদায়িক শক্তিখিনিৰ ভোট গোটেই কংগ্ৰেছলৈকে গুচি গ'ল। এতিয়া সাম্প্রদায়িক দল অসমত দুটা নাই, এতিয়া সাম্প্রদায়িক দল অসমত এটাই থাকি গ'ল যে কংগ্ৰেছলৈকে গোটেই মুছলিম মানুহৰ ভোটটো শিফ্ট হৈ গ'ল। भीषण गर्मी से परेशान जनता के लिए अब एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि देश भर के 150 जलाशयों में पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है। देखिए जरा, देश भर में भीषण गर्मी की मार झेल रही जनता को आने वाले समय में अब और सावधान रहना होगा, क्योंकि देश भर में बने 150 जलाशयों में पानी का लेवल बेहद कम हो गया है। केंद्रीय जल आयोग का आधिकारिक डेटा बताता है कि 150 मुख्य जलाशयों में 39.765 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, जो कुल भंडारण का केवल 22% है। पारा बढ़ने के साथ ही बीते 3 महीनों में जलाशय स्तर में हर हफ्ते गिरावट देखी जा रही है। दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका भयंकर असर देखा जा रहा है। इन राज्यों में 150 में से कुल 42 जलाशय मौजूद हैं। इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.784 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वहीं पूर्वी क्षेत्र के असम, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और बिहार में कुल 23 जलाशय हैं। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में कुल 49 जलाशय हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 26 जलाशय हैं। देश के जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 257.812 बिलियन क्यूबिक मीटर है। बीते साल के मुकाबले जलाशयों के वाटर लेवल में ये कमी बेहद चिंताजनक साबित हो सकती है। तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे, हम बात करें सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। सुनीता अंतरिक्ष में तीसरी बार जाने वाली पहली महिला बन गई है। उनका स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका है। बोइंग स्टार लाइनर का पहला क्रू मिशन सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका है।
हालांकि स्पेस यान के थ्रस्टर में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी यान अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में सफल रहा। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर का यह स्पेसक्राफ्ट रात करीब 11:03 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। इसे रात करीब 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में आई परेशानी के कारण ऐसा नहीं हो सका। दूसरी कोशिश में स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से डॉक कराने में सफलता मिली। इसी के साथ भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने इतिहास रच दिया है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर एक नए स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष पहुंची हैं। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी विलमोर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट और उसके सब सिस्टम का टेस्ट करने के लिए करीब एक हफ्ते तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे।